नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर वन ऑफ फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। तो हम फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज डील करने जा रहे हैं, जिसमें हमको टोटल 12 क्वेश्चन बनाने हैं वन बाय वन, और हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एज इट इज़। हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। निकालना क्या है? कोशेंट और रिमाइंडर। और ये कब आता है? जब हम डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, ये हमने पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन में 8 एग्जाम्पल हमने बनाए, उसमें हमने डिस्कस किया। जो डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो डिवाइड करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। तो सबसे पहला हमारा तरीका क्या रहता है कि हम डिविडेंड और डिवाइज़र को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखें, सजा करके, अरेंज करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट करेंगे डिविडेंड, और डिविडेंड हमारा पहले से अरेंज है डिक्रीजिंग पावर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला कौन है? ये x प्लस वन, और फटाफट इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये मेथड अब आप सबको आता है, x प्लस वन से डिवाइड करना है। मैंने 8 एग्जांपल अभी करवाए हैं, अगर आप इस एक्सरसाइज पर आए हैं बिना एग्जांपल देखे तो प्लीज़ एक बार वापस चले जाइए, एग्जांपल क्वेश्चन सारे देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया है एक एक स्टेप सोच सोच के, कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको लिखना है। दो दो मेथड से, तीन तीन मेथड से मैंने आपको इसको करना सिखाया है। तो अगर आप उसके दो चार क्वेश्चन देख लेते हो तो ये अपने आप पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने एग्जांपल के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले एग्जांपल देख लो, ताकि आपको एनर्जी आ जाए, मेथड समझ में आ जाए कि करना क्या है। और फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको टाइम लग जाएगा इसको समझने में। तो पहले एग्जांपल के क्वेश्चन आपको बनाना ही है, तभी आप इसमें स्पीड से काम कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरा पहला टारगेट है इसको डिलीट करना, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो डिविडेंड के पहले टर्म को डिलीट करना होता है। ये डिलीट कब होगा? जब यही सेम टू सेम इसके नीचे उतरेगा, साइन प्लस माइनस होंगे, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ उतारनी है, एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये सोचना है कि इसको मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइज़र के पहले स्टेप को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइज़र के पहले टर्म से डिवाइड कर दो, वो चीज़ आ जाएगी जो यहाँ लिखनी है। तो चाहो तो वैसे बना लो, चाहो तो दिमाग लगा के थोड़ा सोच के बनाओ। सोच के बनाना मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अदरवाइज़ वो मेथड तो है ही, वो भी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए? तो आप सब जानते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हो गया, अब इसका भी होना है प्लस 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 वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स ही होता है। साइन चेंज कर रहे हैं, देखो ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये माइनस 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 प्लस, तो हमको प्लस करना है। ये है वन एक्स, तो टोटल कितने हो गए? टू एक्स। साइन दोनों तो बराबर ही थे, तो साइन माइनस ही आएगा और ये चीज़ उतर जाएगी। अब इसको डिलीट करना है। अब आगे डिवाइड होगा कि नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आगे डिवाइड होगा कि नहीं, किसी को रिमाइंडर मान लें, तो आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है इस एक्सप्रेशन में x का पावर देखिए और डिवाइज़र का x का पावर देखिए। अगर दोनों पावर अभी भी सेम है तो डिवाइड होगा, अगर इसका पावर छोटा हो गया इसके पावर से तो डिवाइड बंद हो जाएगा। तो अभी पावर सेम है तो होगा, तो फिर हमको इसको डिलीट करना होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, ये वाला साइन डिसाइड हो गया माइनस, ठीक। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए? तो पहले नंबर के बारे में सोचते हैं ना, यहाँ x का कोफिशियंट कौन है? 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? तो देखो पहले साइन देख लो, प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 जा 2, और x तो चिपका ही हुआ है साथ में, x तो अपने आप चिपका हुआ है, आ गया, ये बन गया। उसके बाद इसके साथ भी होगा प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2, साइन चेंज करते हैं, इस माइनस का प्लस, इस माइनस का प्लस, ये माइनस ये प्लस, सेम सेम क्वांटिटी कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 1 3, साइन पॉजिटिव। तो हमारा कोशेंट क्या आया यहाँ पर? कोशेंट आया x माइनस 2, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 3। ये हमारा आंसर हो गया,
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको बनाएंगे जल्दी से, मैच कर लीजिए अपने बुक के पीछे आंसर और आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन बनाया, और ये पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। डिवाइड होने वाला है डिविडेंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, डिवाइजर है 2x-1, और हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको दुनिया भर के एग्जांपल करवा दिए हैं, अगर आपने एग्जांपल क्वेश्चन सभी देखे हैं तो बिना मेरी हेल्प के आप इसको डिवाइड करिए और आपसे फटाफट बनता जाएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपने वो एग्जांपल्स नहीं देखे हैं तो फिर थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये पहले एग्जांपल देखिए उसके बाद इसको बनाइए। देखिए ये है हमारा डिविडेंड, इसका पहला टर्म है 6x2, इसको डिलीट करना है, पहले टर्म को डिलीट करना होता है, एलिमिनेट। तो यहाँ नीचे 6x2 बनेगा तभी ये डिलीट होगा। तो पहले सोचो मुझे यहाँ पर साइन क्या रखना है। देखो प्लस प्लस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ कि 6 बन जाए। तो आप सब जान रहे हैं 2 × 3, 2 × 3 = 6। x का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए। तो x का मल्टीप्लाई किससे करना है, x के साथ, एक्स स्क्वायर। चीज़ें बहुत आसान है, समझ में आती चली जाएंगी। ओके, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब अगले वाले के देखो, माइनस प्लस माइनस, 1 × 3x, 3x, साइन सबका बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये चीज़ कैंसिल हो गई, सेम सेम थी, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो करना माइनस है। किसको किससे, बड़े वाले से छोटे वाले को। तो 5x में 3x माइनस हो गया, तो कितना x बचा, 2x। इस 2x पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा है 5 और 5 पे साइन है माइनस, तो इस पर भी माइनस। अगली चीज़ उतर गई एज इट इज़। आप ये और ये कंपेयर कर लो, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, अभी डिवीज़न हो जाएगा, ये मैंने पहले डिटेल से बता दिया है। अब अगर डिवीज़न हो जाएगा तो इसको डिलीट करना है। तो देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस 2 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूँ कि 2 आ जाए, तो आंसर है 1 बार, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा x साथ में चिपका रहेगा, x, ठीक है, तो x अगर मुझे नहीं लिखना तो फिर 1 लिखना पड़ेगा। 2x का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 2x आ जाए, तो आंसर है 1 बार, आ गया। माइनस माइनस प्लस, 1 × 1, 1, साइन चेंज करिए, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस प्लस सेम सेम कैंसिल, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पर देखो क्वोशेंट कितना बन गया हमारा 3x-1, और रिमाइंडर कितना बन गया 0, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो भी इसी तरह है, सेम टू सेम, तो इसको नोट करें और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारा सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, खाली पॉलिनोमियल बदले हैं, और ये पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, तो हमको टेंशन नहीं लेना, ऑटोमेटिकली अरेंज हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं, मैं उसको लिखता हूँ। देखिए ना, पहले है 2y³, फिर प्लस 3 पावर के बाद 2 पावर, 2 पावर के बाद 1 पावर, और 1 पावर के बाद 0 पावर, डिवाइज़र है हमारा y+1। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल नोट करूँगा, 2y³ + 4y² + 3y+1, ठीक है, और डिवाइज़र है हमारा y+1। अब आप समझ रहे हैं, पहले हमको डिविडेंड का पहला टर्म डिलीट करना है, तो यही चीज़ इसके नीचे बनानी है, तब तो ये डिलीट होगा। तो देखो पहले तो मुझे 2 लाना है, ये प्लस, तो साइन तो प्लस रहेगा, इसका कोफिशियंट 1 है, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ूं कि 2 आ जाए, तो आंसर है 1 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 2 आ जाएगा। वाई का टेबल कितनी बार पढ़ूं कि y³ आ जाए, ये y³ है तो y³ बनाना है, तो y को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप सब जानते हैं y² से मल्टीप्लाई करोगे तो y³ बन जाएगा, ठीक है। चलो बन गया, तो हमको 2y³। अब 1 का मल्टीप्लाई भी इसी के साथ होगा, प्लस 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 2y², तो 2y² ही आ गया, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस,
तो ये पहली चीज़ तो सेम सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो करना माइनस है, बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं। फोर वाई स्क्वायर में टू वाई स्क्वायर चला गया तो टू वाई स्क्वायर बचेगा, साइन बड़े वाले का प्लस। बाकी की चीज़ें आगे की हम एज इट इज़ उतार दे रहे हैं। अब हम थोड़ा फास्ट बना रहे हैं क्योंकि मैंने 8 एग्जाम्पल आपको पढ़ा दिए, शुरू के 2 क्वेश्चन आपके इसके बता दिए, अब हम फास्ट बनाएंगे। इतने में आपको अब ये फटाफट बनना चाहिए, ठीक है। अब हमारा टारगेट ये डिलीट करना है, प्लस प्लस प्लस, वन का टेबल कितनी बार पढ़ूं कि 2 आ जाए, तो आंसर है 2 बार पढ़ो, 1 2 जा 2। वाई का टेबल कितनी बार पढ़ूं कि वाई स्क्वायर आ जाए, तो वाई का टेबल वाई बार पढ़ो क्योंकि वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 वाई 2 वाई। साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस ये चीज़ सेम है, कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 2y चला गया 1y और ये प्लस 1। देखो y प्लस 1, ये भी y प्लस 1, तो y प्लस 1 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि y प्लस 1 आ जाए, तो आंसर है 1 बार। ये आ गया y प्लस 1 और ये कट के रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम अपना आंसर कोट कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन कितना बना है, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और यहाँ पर पूरी तरह डिवीज़न हो गया है इसलिए रिमाइंडर कितना आया है, 0। नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैच करते चलिएगा अपने बुक से आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा मामला पेचीदा है। क्या पेचीदगी इसमें देखिए, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स हमको डिवाइड करने हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, यानी जो पावर जहाँ पाया वहाँ लिख दिया। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बढ़ते घटते क्रम में इसको हम सजा के लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिविडेंट हमारा ये है, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ ना, तो देखो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, x टू द पावर 5। तो पहले हम लिखेंगे x टू द पावर 5, पावर 5 के बाद कौन सा पावर आना चाहिए, पावर 4, लेकिन पावर 4 इसमें नहीं है, नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जांपल में आया था, मैंने वहाँ डिटेल से बताया है कि क्यों हम लिखते हैं और क्यों नहीं लिखा होता और लिखना ज़रूरी क्यों है। तो अगर आपने वो एग्जांपल नहीं देखा है तो एग्जांपल देखिए ताकि मेरी पूरी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए ऐसा करते हैं, x टू द पावर 4 इसलिए हमको इन्वॉल्व करना है क्योंकि डिवाइड करते समय कहीं पर मान लो मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ x टू द पावर 4 बन गई तो उसको कहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका ये होता है कि x टू द पावर 4 वाली को x टू द पावर 4 वाली के नीचे ही लिखेंगे। तो जब आपके एक्सप्रेशन में x टू द पावर 4 नहीं होगा तो फिर जो चीज़ बनी है x का पावर 4 उसको कहाँ लिखोगे, इसलिए हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन x टू द पावर 4 तो है नहीं तो वो 0 ही रहेगा, तो उसके कोफिशियंट को हम लोग प्लस या माइनस 0 लगा लेते हैं x टू द पावर 4। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो के 0 ही बनी रहेगी, तो ये 0 ही है, कोई घटे बढ़ेगा तो नहीं। x के पावर 4 के बाद क्या आएगा, x टू द पावर 3, और वो है प्लस 5 x टू द पावर 3, प्लस 5 x टू द पावर 3, पावर 3 के बाद कौन आएगा, पावर 2, और पावर 2 भी है, प्लस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद पावर 1, ये दिया हुआ है, प्लस 5 एक्स, और इसके बाद नंबर, ये नंबर भी दिया हुआ है, प्लस 3। तो ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप उसको भी अरेंज करते हैं, डिवाइजर को देखो वो भी ऐसा ही है, उसमें मैक्सिमम पावर कितना है, x टू द पावर 2, और वो दिया हुआ है x स्क्वायर, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, 2 पावर के बाद 1 पावर आएगा, 1 पावर भी दिया हुआ है 4x, उसके बाद 0 पावर वाला ये। अब इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, चलिए यहीं पे बनाता हूँ मैं, यहाँ पर लिखूँगा x टू द पावर 5 प्लस 0x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक। और यहाँ पर हमारा ये है ही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एग्जांपल में भी एक्सरसाइज में भी, तो आप इसको फटाफट बनाएंगे। हमारा टारगेट हम इसको डिलीट करें, और ये रहा वो नंबर पहला डिवाइजर का,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर 5 बन जाए। यहाँ पर x टू द पावर 5 ही बनाना है, ये ध्यान में रखना। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर 5 बन जाए। इसमें पावर 2 है ही, मल्टीप्लाई तो x से ही होना है। x देखो बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का तो पावर जुड़ते हैं। ये पावर 2 पहले से है, उसमें कितना पावर रहे कि 2 में जुड़ के 5 बन जाए। तो आप सब समझ रहे हैं कि पावर कितना होगा, 3। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 3 के साथ जब होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 5, और यहाँ आ जाएगा। अब इसमें और भी टर्म है तो सभी टर्म का मल्टीप्लाई उसके साथ हम करेंगे। तो देखो प्लस 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 4x का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ कितना होगा। पहले तो 4 हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4। देखो बना ना, इसीलिए यहाँ पर हमने x टू द पावर 4 इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से क्या टर्म बन गई, x टू द पावर 4। अब अगर x टू द पावर 4 बन गई है और क्वेश्चन में x टू द पावर 4 नहीं होता तो ये जो बनी है उसको किसके नीचे लिखते, तो लिखने के लिए हमने इसको इन्वॉल्व किया था। तो 4x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब कितना होता है, 4x टू द पावर 4। फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 2x³ और साइन प्लस का, ये सब बन गया, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम सबका साइन चेंज करने जा रहे हैं। तो इस प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 5, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया ये। ठीक है, आगे की चीज़ देखो ना, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 4x टू द पावर 4 में 0x टू द पावर 4 चला गया, माइनस हो गया, तो कितना बचा, 0x टू द पावर 4 कोई चीज़ होती है क्या, नहीं। तो 4x का पावर 4 में कुछ भी नहीं जा रहा, तो कितना बचेगा, पूरा पूरा 4x टू द पावर 4। लेकिन इस पर साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन, 0 की 4, 4 बड़ा, और 4 में साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन इस पर आ जाएगा ऐसे। अगला देखो, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस ही होगा, तो हमको बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है। 5x³ में 2x³ चला गया तो कितना बचेगा, 3x³। लेकिन इस 3x³ में साइन किसका लगेगा, बड़े का, बड़ा कौन है, 5 में साइन प्लस है, तो इस पर भी साइन प्लस, ये भी सॉल्व हो गया। बाकी की चीज़ें एज इट इज हम उतार देंगे, तो बाकी की चीज़ें क्या हैं, प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमने बाकी की चीज़ें एज इट इज़ नीचे उतार दी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब जो एक्सप्रेशन बना है उसमें जो पहला टर्म है उस पहले टर्म को हमको डिलीट करना है। तो पहला टर्म यहाँ पर कौन, -4x टू द पावर 4, ये हमारा पहला टर्म है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं, प्रोसीजर आप जानते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक, तो यही सेम टू सेम यही नंबर हमको यहाँ पर बनाना होता है, तब तो ये डिलीट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा डिलीट, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन यहाँ का डिसाइड हो गया माइनस। ठीक, अब मुझे यहाँ पर 4 लाना है। देखो प्लस माइनस माइनस, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 4 बन जाए, तो 1 4 जा 4, ये चीज़ तो समझ में आती है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि x टू द पावर 4 बन जाए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 के साथ करते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस ये करिएगा, अगर यहाँ पावर 3 आया है तो पावर 2 आएगा अगले स्टेप में, पावर 1 आएगा उसके अगले स्टेप में, पावर 0 आएगा अगले स्टेप में। क्यों, इसलिए क्योंकि हमने डिविडेंड और डिवाइजर को इसी मेथड में तो अरेंज किया था, डिसेंडिंग में, तो कोशेंट भी जब मिलेगा तो डिसेंडिंग में मिलता जाएगा, ये चीज़ समझे आप, कोशेंट भी जब मिलेगा तो वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मिलता चला जाएगा। चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करें। हाँ, ये चीज़ बन गई, 4x² आया, तो x² 4x² से मल्टीप्लाई होके इतना बन गया। अब बाकियों का मल्टीप्लाई भी उसके साथ होगा, देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, 4x मल्टीप्लाइड बाय 4x² कितना बनेगा, तो पहले तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 जा 16, x मल्टीप्लाइड बाय x² एक्स टू द पावर 3, ये आप समझ रहे हैं ना। ओके, अगला स्टेप प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8, और एक्स स्क्वायर तो साथ में चिपका ही है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर के नीचे वाले टर्म में लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम सबके साइन बदलेंगे, माइनस का हो गया प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं नीचे वाले को ना, ऐसा नहीं सोचना कि साइन जबरदस्ती बदल रहे हैं, नहीं, ऊपर वाले पॉलिनोमियल से नीचे वाले पॉलिनोमियल को माइनस कर रहे हैं, माइनस करने में सबके साइन बदल जाते हैं, इसलिए बदल रहे हैं। ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस बन के, क्योंकि सेम सेम है। अगला स्टेप देखो, प्लस प्लस प्लस, तो 16x³ में 3x³ जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 19x³, और साइन तो प्लस ही रहेगा क्योंकि 16 बड़ा है और उस पर प्लस का साइन है। अगला देखो, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ही करना है, 8x² में 3x² जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11x², साइन बड़े वाले का प्लस, 8 पर प्लस साइन है, बाकी की चीज़ें हम उतार दे रहे हैं, 5x + 3। अब हमारा टारगेट कौन, 19x², तो देखो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 19 आ जाए, तो आप सब जान रहे हैं 19 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा 19, तो ये क्या बन गया 19। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x³ बन जाए, तो आप सब भली भांति समझ रहे हैं x से करेंगे, और यहाँ ये आपको हिंट भी देगा, x³, x² तो अगला क्या आएगा x⁻¹ आएगा, ठीक है। चलिए बनाते चलते हैं, ये आ गया, अब बाकी स्टेप कभी उससे मल्टीप्लाई होगा 19x से, तो देखो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 19 कितना होता है, देखो 4 × 9 = 36, 3 कैरी बचा, 4 × 1 = 4, 4 + 3 = 7, ये ठीक है ना, 19 × 4 करके देख लो, 4 × 9 = 36 और 4 × 1 = 4 + 3 = 7, ठीक। x मल्टीप्लाइड बाय x, x² और साइन किसका लगेगा, प्लस प्लस प्लस, 76x² बना है ये, ठीक है। बोर्ड में अगर थोड़ा बहुत धुंधला दिखता होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, क्योंकि लाइट आजकल हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम कर रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, पावर सप्लाई भी ज़्यादा चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कम बल्ब जला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। अभी मैंने 4 से किया, अब 2 से करेंगे, देखो प्लस प्लस प्लस, 2 × 19 तो कितना होगा, 19 × 2 करो 38, और साथ में x तो चिपका रहेगा x, ठीक है, ये हो गया ना। अब साइन हम सबका चेंज कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये पहले वाला टर्म तो डिलीट हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देते हैं, 76x² में 11x² माइनस होगा, कितना बचेगा, तो देखो माइनस कैसे कर रहा हूँ, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और x². अगला स्टेप देखो, प्लस माइनस माइनस, तो फिर से घटाना है, 38x में 5x चला गया, तो कितना बचेगा 33x, 38 में 5 जाएगा 33 बचेगा ये, और साइन इस पर माइनस का आएगा नीचे, और इस पर भी साइन किसका आएगा, ये बड़ा था 76 माइनस साइन ये, और लास्ट का ये 3 उतर जाएगा ऐसे। अभी देखो और एक बार डिवाइड होगा ना, ये स्क्वायर में है पावर, वो भी स्क्वायर में है, एक बार और डिवाइड होगा। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 65 आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पर देखो हाँ प्लस माइनस, तो साइन क्या लगेगा वहाँ, माइनस, मैं इसको इधर लिख देता हूँ माइनस। 1 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 65 आ जाए, 65 आ जाए किससे, तो आंसर है 65 से ही करोगे मल्टीप्लाई, ये 165 + 65, और x² तो मुझे x² के रूप में ही चाहिए, तो x वहाँ मैं नहीं रखूँगा, तो x² चिपक के x² बन के आ जाएगा, हो गया। अब इसका करेंगे, देखो ये प्लस वो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 × 65 कितना होता है, और ये x ही बनेगा, तो x के नीचे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक, 4 × 65 तो 4 × 5 = 20 दो बचा, और 4 × 6 = 24 और 2 = 28, 24 और 2 = 26 होगा भाई ना, फिर से एक बार चेक कर लो, 4 × 5 = 20 दो कैरी बचा, 6 × 4 = 24 और 2 = 26, ठीक है, और x साथ में चिपका हुआ है, ओके। उसके बाद इसका होगा प्लस माइनस माइनस,
ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाय 65, ठीक है। तो देखो 5 टू जा 10 और 6 टू जा 12 और 113, 130। और इसको अब आप सॉल्व करके लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक। सबका साइन बदल रहा हूँ, देखो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो सबके साइन चेंज हो गए, प्लस प्लस। ये पहली वाली क्वांटिटी तो डिलीट हो जाएगी, माइनस 65x² प्लस 65x², ख़त्म। अगला देखो, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस करना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा रहे हैं। ये है 260 और ये है 33, तो 260x में 33x माइनस करना है। तो देखो ये इससे लेके 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, 7 ठीक। ये कितना बना 5, 5 में से 3 गया 2 और एक 2 रहेगा साथ में x। साइन किसका उतरेगा, बड़े वाले का, 260 पर साइन अब प्लस हो गया तो ये भी प्लस में रहेगा। ये मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे उसके। अगली चीज़ देखो, प्लस प्लस प्लस, तो 130 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 133, उसमें तो कोई x नहीं। अब इसके आगे डिवाइड होगा कि नहीं, तो देखो डिवाइजर का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2, और आगे आते आते इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1, तो पावर छोटा हो गया डिवाइजर से, इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसी को हम क्या मान लेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। तो एक स्टेप बाद आपका आंसर है, कोशेंट वो लिखा हुआ है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कोशेंट, आप अपनी बुक से मैच कर लो आंसर, x टू द पावर 3 माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65, और रिमाइंडर आपको दिख ही रहा है ऊपर, ज़रा बुक में एक बार मैच कर लो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज फिर हम लोग दूसरा मेथड अपनाएं। हाँ ठीक ठीक तो किया है, 227x प्लस 133, x³ माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65, x³ माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट है। तो इसको आप नोट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, मैंने इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल करवाए हैं उसमें लास्ट में एक हमने ट्राई दिस का क्वेश्चन किया है। ट्राई दिस कौन सा, जो आपके पेज नंबर 8 में दिया हुआ है, सबसे आखिरी में, पेज नंबर 8 के सबसे लास्ट में एक ही क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हमने किया है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, बस ट्राई दिस में यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस आ गया है, तो हमने उसको फैक्टर बना के किया था। तो अगर आपको ध्यान हो या आपने देखा है तो ध्यान तो होगा ही कि ये था x² प्लस 2xy प्लस y², तो ये किसका फैक्टर होता है, x प्लस y के होल स्क्वायर का, तो उसको हम x plus y दो बार लिखेंगे, और जब x plus y से डिवाइड करते थे तो एक x plus y कैंसिल हो जाता था, समझ रहे हैं, तो x plus y आंसर आ जाता था, वही कोशेंट है, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। तो इसको भी आप वैसे कर सकते हैं, ये है x² माइनस 2xy प्लस y², ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a² माइनस 2ab प्लस b², किसका है, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम फैक्टर बना के क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a और b की जगह कौन है, x और y, तो क्या लिखेंगे, x माइनस y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब x माइनस y का होल स्क्वायर जो ऊपर लिखे उसको दो बार लिख दो, x माइनस y डिवाइडेड बाय x माइनस y, एक एक x माइनस y कैंसिल हो गए, एक x माइनस y बचेगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, x माइनस y, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करके दिखाता हूँ, जिसको शौक हो वो उस मेथड से करे जो मैंने अभी बताया, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो देखो x² माइनस 2xy प्लस y² डिवाइड करने वाला है x माइनस y, पहला टारगेट इसको डिलीट करना है, तो x का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि x² आ जाए, तुम सब जानते हो x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x² बनेगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस y मल्टीप्लाइड बाय x, xy,
साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये पहली वाली क्वांटिटी कैंसिल हो गई, प्लस माइनस सेम सेम क्वांटिटी, माइनस प्लस माइनस, तो दो एक्स वाई में एक एक्स वाई चला जाएगा, तो एक एक्स वाई बचेगा, लेकिन इस पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, माइनस। ये चीज़ उतर गई। अब ये प्लस, ये माइनस, माइनस एक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि एक्स वाई बन जाए, तो आप सब जानते हैं एक्स में हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई स्क्वायर, साइन बदल रहा हूँ, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, सेम सेम क्वांटिटी, सेम सेम क्वांटिटी कैंसिल, रिमाइंडर जीरो, क्वेश्चन दिख ही रहा है, मैंने ओरल बताया क्वेश्चन कितना आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आ गया एक्स माइनस वाई और रिमाइंडर आ गया जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो जिसको शौक हो वो फैक्टराइजेशन से बना ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड पॉलिनोमियल ए बाय पॉलिनोमियल ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल का पावर 1 है, होल नंबर। दिस इज ए पॉलिनोमियल क्योंकि वेरिएबल के पावर यहाँ भी 1 है, होल नंबर। तो हमको क्या करना है, अब की बार हमको a को डिवाइड करना है किससे, a माइनस बी से। तो डिवाइड किसको करना है, a को, तो ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड। डिवाइड किससे करना है, a माइनस बी से, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। तो यहाँ पर डिविडेंड में किसको लिखूँगा, a को, और डिवाइज़र कौन बन जाएगा, a माइनस बी। कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग डिविडेंड को यहाँ लिखते हैं और डिवाइज़र को यहाँ लिखते हैं। अब हमारा एक लौता टारगेट यही है, है ना, एक ही तो सिंगल पीस है, एक लौता टारगेट यही है। तो इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म ही ये खुद है, तो इसको डिलीट करना है। तो अब आप बताओ ए का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि ए आ जाए, तो आंसर है एक बार पढ़ोगे तो ए आ जाएगा, 1 × 1 और ए चिपका रहेगा। ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर 1 के साथ होगा, क्योंकि a का 1 के साथ हुआ तो इतना आया, उसके बाद ये अकेला तो है नहीं, b भी है, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो कितना आएगा, माइनस बी। ये आप जान रहे हैं कैसे आएगा, साइन हम चेंज कर रहे हैं, इस प्लस का हो गया माइनस, इस माइनस का हो गया प्लस। अब ये तो सेम सेम क्वांटिटी है इसलिए ये कैंसिल हो गई, ये प्लस बी बच गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, रिमाइंडर, और ये चीज़ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें देखो कोशेंट कितना आ गया, 1, और रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस बी। मैच कर लो अपने बुक के पीछे आंसर से, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डिवीजन वाले क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुए, अब थोड़ा सा डिवीजन से जो रिजल्ट आते हैं, दैट इज डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उन चार क्वांटिटी में कोई भी 3 देगा और एक पूछेगा, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल क्वेश्चन बनाया है एग्जांपल नंबर 6, उसी फॉर्मेट की अब एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे।